जनरल एक्बियम इन दंप्लीट आई एस एल एम मॉडल डियर स्टूडेंट्स जनरल एक्लिब्रियम से मुराद ये है कि वन आल मार्केट्स आर साइमल्टेनियसली इन एक्लिब्रियम दिस इज कॉल्ड जनरल एक्बियम आल मार्किट से मुराद क्या है लेबर मार्किट गोड्स मार्किट एंड द एसेट्स मार्किट सो ये कहाँ पर होगा वेर द एफ ई लाइन आई एस करव एंड एल एम विल इंटरसेक्ट ओके एफ ई आप जानते हैं एफ ई लाइन आपकी लेबर मार्किट्स को रिप्रजेंट करती है और आई एस करव गुड्स मार्किट को और एल एम कर एसेट्स मार्किट को तो ये जब ये तीनों कर्व एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे दिस विल बी द जनरल इक्रीमियम ओके ग्राफिकली यू कैन सी आई एस कर्व नेगेटिवली स्लोप अब तो आप इस बात को जान चुके हैं ठीक है थीके? ये वाई और आर के वो कॉम्बिनेशनस हैं जो गुड्स मार्केट को क्लियर करते हैं एंड दिस इज द पॉजिटिवली स्लोप्ड एल एम कर्व ये वो पेयर्स हैं वाई एंड आर के जो एसेट्स मार्केट को मनी मार्केट को क्लियर करते हैं एंड दिस इज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन ठीक है जिससे लेबर मार्केट आपकी इक्विलिब्रियम में होती है तो ये तीनों कर्व्स ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका जनरल इक्विलिब्रियम होगा ओके okay. सो so, इसको हम समझेंगे स्पोर्स देर इज़ द टेम्परेरी एडवर्स सप्लाई शॉक सो उसमें ये फिजनल इकलिब्रियम किस तरह से अफेक्ट होगा और फिर कैसे ये रिस्टोर होगा सो स्पोर्स द प्रोडक्टिविटी पैरामीटर इन द प्रोडक्शन फंक्शन फॉल्स टेम्परेरी के हम इस बात को समझ चुके हैं कि अगर आपकी प्रोडक्टिविटी फॉल कर जाए किसी वजह से तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इसको हम कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी फॉल कर गई सो so, इसके नतीजे में क्या होगा द सप्लाई शॉक वे रिड्यूस द मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जब प्रोडक्शन फंक्शन डाउनवर्ड शिफ्ट होता है तो उससे मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर कम हो जाती है और उससे आपका लेबर मार्केट में लेबर डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है सो so, द सप्लाई शॉक रिड्यूसिस द मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड हैंड्स द लेबर डिमांड सो विद लोअर लेबर डिमांड दिबरिंग रियल वेज एंड एम्प्लॉयमेंट फॉलो लेबर मार्केट में जब लेबर डिमांड कम हो जाएगी तो उसके नतीजे में फिर रियल वेज भी कम हो जाएगी और उसके नतीजे में इम्प्लॉमेंट लेवल भी जो डिमांड एंड सप्लाई से डिटर्मन होता है उसमें भी कमी वाकई हो जाएगी सो लोअर एम्प्लॉयमेंट एंड लोअर प्रोडक्टिविटी क्या हुआ प्रोडक्टिविटी शॉक की वजह से आपकी मालूम प्रोडक्ट ऑफ लेबर कम हुई लेबर डिमांड कम हुई उसके नतीजे में लेबर मार्केट में रियल वेज कम होगी एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो गया तो अब ओवरऑल जो आउटपुट प्रोड्यूस होगी क्योंकि अब पहले से कम लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो गया इसकी वजह से भी आउटपुट कम हो जाएगी और जो लोग काम कर रहे हैं अब उनकी प्रोडक्टिविटी भी चूँकि कम होगी तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को री करेंगे दोनों के नतीजे में आउटपुट कम हो जाएगी कौन कौन सी दो चीज़ें एम्प्लॉयमेंट लेवल में कमी की वजह से और प्रोडक्टिविटी फॉल की वजह से आपकी ओवरऑल आउटपुट है वो कम हो जाएगी और इसके नतीजे में आपकी जो एफ लाइन है जो इस आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट को ये आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी देर इसके नतीजे में यानी इस प्रोडक्टिविटी शॉक के नतीजे में क्या हो गया हमने डिस्कस किया है कि एफ लाइन किस तरह से उससे अफेक्ट होगी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी देर इज नो इफेक्ट ऑफ अ टेम्परेरी सप्लाई शॉक ऑन द आई एस एंड एल एम कर इस इस टम्प्रेरी जो शॉक था प्रोडक्टिविटी कम हुई थी इसके नतीजे में एफ ई लाइन तो लेबर मार्केट अफेक्ट हो रही है और एफ ई लाइन तो अफेक्ट हो रही है लेकिन इसके नतीजे में बाकी जो दो कर्व्स हैं आई एस और एल एम कर्व ये दोनों इससे अफेक्ट नहीं होंगे क्यों अफेक्ट नहीं होंगे इसलिए कि आई एस कर्व आप जानते हैं कि ये आपके गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती है दूसरे लफसों में हम ये कह सकते हैं कि ये डिज़ायर्ड सेविंग और डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी कोई रिफ्लेक्ट uh, करती है रिप्रेजेंट करती है सो प्रोडक्टिविटी शॉक चूँकि टेम्प्रेरी है इसलिए इसके नतीजे में ना तो डिज़ायर्ड नेशनल सेविंग कम होंगी और ना ही डिज़ायर्ड आपकी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आएगी ओके okay? क्योंकि जो हमने डिजायर्ड सेविंग का कर्व बनाया था वो हमने करंट इनकम के साथ ही ये हम आई एस के और एक्चुअली मूव करेंगे सो so, और एल एम करो तो फाइनेंशियल और आपकी जो एसेट्स मार्केट हैं तो उस पर इस प्रोडक्टिविटी शाक का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा सिंस द एफ ई आई एस एंड एल एम करव डो नॉट इंटरसेक्ट द प्राइस लेवल एडजस्ट शिफ्टिंग द एल एम करव एंडलरल एक्बियम रीच अभी हम इसको डायग्राम से इस बात को समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होगा सो इन दिस केस द प्राइस लेवल राइज टू शिफ्ट द एल एम करव अप एंड टू द लेफ्ट टू डस्टोर द एक्बियम लेट सी विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम ये तो लेफ्ट साइड पर वही डायग्राम है जो हम जनरल एक्बियम के लिए यानी ई e वो पॉइंट है जिस पर तीनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं सो दिस इज़ द जनरल इक्विलिब्रियम ओके सो आई एस कर्फ एल एम कर्व और ये आपकी जो इनिशियल एफ ई लाइन है ये तीनों ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका जनरल इक्विलिब्रियम है जिससे हम स्टार्ट ले रहे हैं आप प्रोडक्टिविटी शॉक की वजह से एफ ई लाइन लेफ्ट वर्क शिफ्ट कर गई है ठीक है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट कम हो गई है चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि लेबर मार्केट में आपके पास लेबर डिमांड कर्व कम होगी या एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगी या प्रोडक्टिविटी फॉल होगी इन सारी चीज़ों के नतीजे में आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट कम हो जाएगी और एफ ई लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गई है ओके अब एफ ई लाइन जो शिफ्ट हुई है तो इसमें आप आई एस करव और एफ ई -E टू तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेकिन एल एम करव अब तीनों का कोई कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है ठीक है तो अब क्या होगा इस एक्चुअली अब ई e पॉइंट पर क्या सूरत हाल है ई e पॉइंट जो पहला एक पॉइंट था ठीक है अब टोटल आउटपुट उससे कम है राइट टोटल आउटपुट में जब कमी आ गई है सप्लाई में कमी वाकई होगी तो इसके नतीजे में फिर प्राइस लेवल ने इंक्रीज़ करना है और उस प्राइस लेवल में इंक्रीज़ के नतीजे में अभी हमने लास्ट मॉड्यूल में देखा था कि प्राइस लेवल जब इंक्रीज करेगा तो आपके रियल मनी सप्लाई कम हो जाएगी और उससे एल एम जो है ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा सो प्राइसिज इंक्रीज यानी आपके गुड्स मार्केट में क्या था कि आपके पास डिमांड ज़्यादा थी लेकिन सप्लाई कम थी ठीक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो आउटपुट लेवल था जो फॉर्म जिस जिस पर उनकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो रहा है अब मार्केट में डिमांड उससे ज़्यादा है ठीक है तो उसके नतीजे में फिर क्या हो जाएगा प्राइसेस में फॉर्म्स इजाफा करना शुरू कर देंगी और उससे रियल मनी सप्लाई कम हो जाएगी और एल एम करफ आप शिफ्ट हो जाएगा तो एफ़ दोबारा फिर एल एम टू कर्व जो है वो एफ़ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और इस तरह से तीनों मार्केट्स अगेन साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी सो इस सारे प्रोसेस के नतीजे में क्या होगा प्राइस लेवल अभी आपको बताया कि एल एम कर्व क्यों शिफ्ट होगा इसलिए कि प्राइसेस इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएंगी सो प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन रेट आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा लेकिन प्राइसेस जब दोबारा वो एक में पहुंच जाएंगी तो फिर प्राइसेस फिर स्टेबलाइज हो जाएंगी तो इन्फ्लेशन राइज तो करेगा लेकिन ये परमानेंटली राइज़ नहीं करेगा बस टेम्पोरेली तो इसमें राइज होगा और जब वो दोबारा एक हो जाएगा तो फिर ये राइज इसका बंद हो जाएगा सो so, इन सारी बातों को हम समराइज़ करें तो क्या है के रियल वेज एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट डिक्लाइन होगी लेट मी शो यू अगेन के वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट नाउ एफ इनिशियली वी वर एट पॉइंट ई ठीक है जब एफ पर हैं तो क्या हो गया आउटपुट कम होगी लेफ्ट साइड पर मूव कर गए एल एम के ऊपर शिफ्ट होने से आपका प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया आउटपुट कम हुई है ये क्यों कम हुई थी इसलिए कि लेबर मार्केट में एम्प्लॉयमेंट कम हो गई थी ठीक है डिमांड कम हो गई थी इम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो गया था तो ये ये बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं कि रियल वेज कम हो गई है इम्प्लायमेंट लेवल कम हो गया है आउटपुट कम हो गई है वाइल द रियल इंटरेस्ट रेट एंड द प्राइस लेवल ये दोनों बढ़ गए प्राइस लेवल बढ़ने से एलम एम कर शिफ्ट हुआ था और अब ये जो पॉइंट था एक दफ़ा फिर आप देख लें एफ पॉइंट जो है ये ई e से ऊपर है ना तो ये ई e पर जो इंटरेस्ट रेट है एफ़ पर उससे हायर इंटरेस्ट रेट है तो ये बता रहा है कि इस शॉक की वजह से अब प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो गया और इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया सो देर इज द टेम्पररी बर्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन एज द प्राइस लेवल मूव्स टू अ हायर लेवल उसमें इजाफा हो रहा है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन जब प्राइस दोबारा स्टेबल हो जाएंगी तो इन्फ्लेशन फिर रुक जाएगा सिंस द रियल इंटरेस्ट रेट इज़ हायर एंड आउटपुट इज़ लोअर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मस्ट बी लोअर रियल इंटरेस्ट रेट जब बढ़ गया तो इसके नतीजे में क्या होगा कि सेविंग कम होगी रियल इंटरेस्ट बढ़ गया सेविंग सॉरी बढ़ जाएगी कंजम्पशन कम हो जाएगी और रियल रेट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी तो ये इसकी ओवरऑल समरी है कि इसके नतीजे में क्या चेंजेस रोनमा होंगे थैंक यू वेरी मच